चल रुन अच्छा माय मैम कांग्रेचुलेशंस टॉप 6 इतना प्यार लोगों का आपको मिला कैसा महसूस कर रहे हो और आखिर में आते आते अपने बहुत से फैंस का दिल भी टूटा है बट आपका क्या कहना चाहिए मैं रह गई तो सिर्फ वीटी देखने से जो जर्नी थी बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ट्रॉफी चाहिए थी वो था कि अगर किस्मत में होगी तो मिल जाती बट आई एम वेरी हैप्पी कि बिग बॉस में आने मतलब फिनाले से एक दिन पहले दो दिन पहले इविक्ट होना बिग डील कि आपने 4.5 महीने घर में बिताए तो इट मीन्स लोगों ने बहुत पसंद किया सब कुछ एक सेकेंड सब कुछ लेकर जाऊंगी दोस्ती झगड़े मैंने किए खाना बनाना सीखा है मैंने बहुत कुछ सीखा है इस घर से और मुझे सबसे ज़्यादा इस घर में मिस अगर मैं कोई चीज़ करूँगी तो बिग बॉस की आवाज़ बाहर से चीज़ें अलग लगती हैं लेकिन जब आप अंदर रहते हो ना वो एक अटैचमेंट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा है तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ अटैचमेंट और फ्रेंडशिप की बात करें तो शहनाज के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्ड थी स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे दूरियां आने लग गई right. पारस जब आए उनके साथ आपकी बॉन्ड ज़्यादा होने लगी क्या वजह है पारस इस चीज़ की वजह ही नहीं थी क्योंकि पारस के ऊपर मेरा कोई और दोस्त नहीं है उस घर में और शहनाज के साथ मैंने दूरियां नहीं कम की वो उनका नेचर ही वो है वो कभी किसी एक के साथ नहीं दोस्त उनको चाहिए होता है उनका जहाँ मूड होता है वो वहाँ जाती हैं और मैं ऐसी हूँ मैं लोगों के मूड के हिसाब से नहीं चलती मेरे लिए मेरे दोस्त मेरे प्रायोरिटी होते हैं और मेरे लिए बहुत मेरे अपने होते हैं तो अगर वो मेरे साथ हैं तो फ्लो में चले तोड़ तोड़ के वो उनकी स्टाइल है कि वो जिनका जहाँ उनका मन करता है वो वहाँ जाती है ये मेरा स्टाइल है कि जो जिनका मन के हिसाब से लोग चलते हैं वो मेरे दोस्त नहीं होते तो शी इज़ वेरी नाइस बट हम दोस्त नहीं रह सकते बाहर तो बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी दिख रही है बट लोगों का ये भी कहना था कि आप कभी अपना स्टैंड नहीं लेते थे पारस हमेशा आपकी स्टैंड लेते थे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे क्या होता है ना उस घर में लोग ना एक चीज़ पे मुद्दा बनाते हैं अब जो लोग मुद्दा बनाएंगे लोग बात बाहर उस बात को उठाएंगे अभी जैसे शहनाज को कहा गया आप जेलस करती हैं उस बात का मुद्दा बना उस बात को बाहर भी कहा गया फ्लिप करती हैं उस बात को बाहर भी कहा गया और उसको वो टैग मिल गया फ्लिप ऐसा थोड़ी ना बट दोस्ती के ऊपर अगर स्टैंड की बात आए तो अगर हम दोनों दोस्त हैं और 10 लोग हमसे लड़ रहे हैं तो आप उनसे लड़ रहे हो तो मैं आपको अकेले नहीं लड़ने दूंगी मैं आपके लिए बोलूंगी और अगर उसको वो चीज़ बोलते हैं लोग कि आप अकेले स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो मतलब ये तो गलत बात होगी दोस्त दोस्त का साथ नहीं देगा क्या अगर जो लोग बोलते हैं अगर उनका भी दोस्त कहीं अकेले लड़ रहा है तो क्या वो बैठ के देखेंगे कि ये अकेले स्टैंड ले लोगों के जितनी मुँह हैं उतनी बातें हैं लोग समझते नहीं सिर्फ बातें करते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे किचन की एक टास्क की बात है तो किचन में भी आप बहुत एक्टिव रहे हैं बट आपने ये इस सीजन में देखा कि सबसे ज़्यादा झगड़े हुए हैं या अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ किया गया है तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए हमने बहुत कंटेंट दिया शो को धक्के आम बात है मतलब टास्क मिल रहा तो ये है कि बॉल उठा के अपने में डालनी है जो ज़्यादा वो ज़्यादा उठाने के उसमें नहीं है जिसके सामने वाले को रोकना कैसे है कि वो ना जाए तो लाइक उनको ब्लॉक करके तुम करो अपनी टीम के साथ तुम करो बहुत कुछ किया हमने इस शो में और लोगों के लिए आगे के लिए वो सीज़न 14 के लिए हमने खोल दिया तुम भी ये करो हमें गालियाँ दो पर ये गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए बट हम जो थे रियल थे हमने कुछ ऐसा नहीं कि इमेज कॉन्शियस के नहीं ये नहीं करना है हम जैसे थे ना हमने वही दिखाया लोगों को कि ये हम हैं और आम लोग जो बिग बॉस में नहीं है आम जनता जो अब ऐसी होती है तो पायरा मैम आगे के क्या प्लान्स हैं क्या होने वाले हैं दर्शक बहुत ही उत्सुक हैं जानने के लिए क्या प्लान सोचा आपने मैंने नहीं सोचा मेरे मैनेजर ने कहा है कि बहुत कुछ है अच्छा बड़ा 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी प्रोजेक्ट्स आए हैं सो लेट्स सी अभी मैं थोड़ा बाहर आई हूँ मुझे थोड़ा पीस चाहिए और मेरे को थोड़ा वेकेशन चाहिए फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगी और जल्दी उनकी अच्छी चीज़ पर मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मेरी ये जर्नी में 4.5 महीने में अकेली नहीं थी आप लोगों ने मेरा पीछे से बैठ के बहुत सपोर्ट किया है और मैं उसके लिए बहुत थैंक यू कहूँगी और मैं बस ये कहूँगी कि पूरी ज़िंदगी ऐसे मेरे साथ रहना क्योंकि आप हो तो मैं हूँ आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ सो थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू मैम